हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं ट्रेडल लाइफ सिमुलेटर और ये होने वाला है विलेज मैप। तो चलो हम चलते हैं जल्दी से अपने घर पर। तुमने हमारा विलेज तो देख ही लिया है तो ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं रखा, एक बेड रखा था तुम्हें याद होगा सोने के लिए, और यहाँ पे एक बाथरूम है। वो बाथरूम से याद आया मैं एक शावर नहीं लेके आया हूँ वैसे, तो चलो मेरे को शावर लेके आना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, अभी मैं गाड़ी से नहीं जाने वाला, मैं आराम से चलता हूँ टैक्सी करके दो मिनट रुको। और यहाँ पे सैलरी भी कट चुकी है हमारे भाई वर्कर्स की, थोड़ा बहुत खाना खा लिया बस, क्या नहाने का काम रह चुका है और बहुत ज़्यादा दूर है। तो ठीक है, यहाँ से मैं अभी टैक्सी ही करता हूँ। तो कहाँ गया मेरे को शॉप पर, हाँ शॉप के पास ही होगी, जैबर शॉप। ठीक है, फर्नीचर शॉप पर जाना था ना, जैबर शॉप के पास ही है, कोई बात नहीं। तो ये रही जैबर शॉप, और तुम्हें आसपास पता है ना बैंक ट्रेडिंग एक्सपोर्टिंग की कंपनीज हैं। तो यहाँ से मेरे को एक बाथिंग वाला लेना है, वो रहा भाई बाथिंग का। तो ठीक है, इसे एक पाए करते हैं और अभी इसे उठा के लेके चलता हूँ अपने घर पे। उठा के क्या, मेरे को ना एक चीज़ बताऊँ, मेरे को बक्सों की याद आ जाती है भाई, उठा के अपना सामान लेके घर जाना पड़ेगा। पर मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे हमारी तो इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है, इतने महीने से हो गया हमें गेम खेलते हुए बट हमें यही नहीं याद। तो ठीक है, यहाँ से मैं जल्दी चलता हूँ अपने घर पे। तो फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं, और तो चलो यहाँ से मैं जल्दी से लगाता हूँ। अभी मेरे को वो टॉयलेट भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से डोर बंद करो भाई, चोर का आने का डर है यहाँ पे, खतरा हो सकता है। तो ठीक है, इसको मेरे को साइड में रखना ना, पहले मैं बाथ वाला ना इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। तो मैं रुको यहाँ से, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ लाइन गिरी भी हुई है सीवरेज की, जो मैंने इतने यहाँ टॉयलेट लगा रखा है। तो ठीक है, नहाने का काम हो चुका है, बस इसे मैं बीच में ये लगा देता हूँ तो काम अपना डन। तो ठीक है, बाथरूम काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, यहाँ काम बन गया भाई, नहा धो के चलते हैं अब अपने काम पे। पूजा पाठ कर नहीं सकते क्योंकि हमें फ़ोटो लगानी चाहिए और सुबह सवेरे पूजा पाठ करके निकलना चाहिए यार, क्योंकि सुपर मार्केट की सेल और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ठीक है, इसे बंद करो और जल्दी से ना, मैं पहले मेरी गाड़ी खुली हुई है तो इसे ऑफ बंद करता हूँ दो मिनट को। और तो चलो गाइज, हम जल्दी चलते हैं अपनी शॉप पर, बट शॉप से पहले हम चलेंगे रेस्टोरेंट में। तो गाइज, मैं भूल चुका था कि मैंने खाना पहले ही अपनी गाड़ी से खा लिया था निकाल के, इस करके रेस्टोरेंट में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, फ्यूल भी हमारी गाड़ी में पूरी तरह से फुल है, और यहाँ के रास्ते थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ होने वाले हैं। ये देखो मेरी गाड़ी बिना बात के स्किट खा रही है। तो चलो अभी ना मैं चलता हूँ सामने की तरफ, तुम्हें दिख ही गया होगा हमारा ये छोटा सा ट्रेडर शॉप आ चुका है। तो चलो ना यहाँ पे, और तुमने मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे नाम भी बताए थे, उनका भी मेरे को कुछ करना है अभी। देखो बहुत सारे नाम आए थे, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको नाम दिया जाए सस्ता अपना मार्ट। तो चलो अभी ना मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। यहाँ पे कितने भाई कोई पैसे नहीं कमाए, क्योंकि मैं क्लोज करके अपनी शॉप को चला गया था और गेम को सेव कर दिया था। तो ठीक है, अभी ना मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप रखता हूँ, और जितनी जल्दी होगा हम इसको ग्रो करेंगे धीरे धीरे करके शॉप को अपनी। मतलब पहले मैंने ऐसा करा था ना कि सब कुछ खरीद लिया था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो चलो यहाँ एक न्यूज़पेपर मेरे को मिल रहा है, तो ठीक है एक ये 250 डॉलर का मिल रहा है, 500 का है। तो ठीक है भाई, कॉफ़ी मशीन तक ठीक है, इससे ऊपर मैं जा नहीं सकता, मेरे पास इतना बजट नहीं है अभी। देखो भाई 2500 मेरे पास बजट है, थोड़े से पैसे कम भी हैं, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने देखो कुछ मशीन्स बाय कर ली हैं, और यहाँ पे अपना नाम रखते हैं अपनी मार्केट का। तो मेरे को एक नाम आया था, मतलब सजेस्ट करा था सस्ता अपना, पता नहीं मेरे को, मैं भूल गया, सस्ता अपना मार्केट ठीक रहेगा अपना नाम भी। तो मैं सस्ता अच्छा मार्ट रखूँ या ठीक है प्रोडक्ट्स, ठीक है ये भी ठीक है हमारा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं हमारी शॉप पर। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नाम रखा है वैसे अपनी शॉप पर देखा जाए। मैं पहले बहुत ज़्यादा अलग नाम रखता था, मतलब जैसे मेगा मार्ट हो गया या कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के नाम रखता था, पर आज हमने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नाम रखा है। तो चलो यहाँ पे मैंने देखो एक डे न्यूज़ का पेपर बाय करा है, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे पेपर्स हो जाएंगे। और बाहर की तरफ ये रही रंगीन जूस मशीन, और ये कॉफ़ी मशीन है जो कि हमारे काम आएगी। और साथ में एक एटीएम भी दिया हुआ है हमारी मार्केट के बाद, ये बहुत अच्छा हुआ विलेज वाले में कि भाई एक एटीएम हमें मिल गया अपनी मार्केट में। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ऑयल क्या कर रही है यार मेरे पास, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऑयल क्या कर रहा है मेरे पास। तो चलो अभी ना मैं इसको लगा के देखूं क्या, दो मिनट। ओ ठीक है, मैं शायद से ऑयल भी सेल कर सकता हूँ, बट देखेंगे ऑयल सेल कर सकता हूँ या नहीं मैं। तो ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे अपना लैपटॉप रखा हुआ है, बट मेरे को जैबर की शॉप के लिए ना सामान लाना पड़ेगा काफ़ी सारा। तो चलो ना मैं जल्दी से जैबर की शॉप पर चलता हूँ। और हाँ,
$1,000 हमारे ना भाई उधार भी हैं बैंक में, तो उसको भी मेरे को देना पड़ेगा थोड़ा बहुत आराम के, अपनी दुकान को नुकसान दे रहा हूँ। तो चलो जल्दी से हम चलते हैं जाबर की शॉप पर। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, देखो फर्नीचर्स भी हमें बाय करने हैं। और यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन हुआ कि मैंने अपने भाई गाड़ी घुमा के वापस अपने घर की तरफ चला गया था, इससे बहुत ज़्यादा पंगा पड़ गया था। तो चलो यहाँ से ना मेरे को एक फ्रिज चाहिए, वैसे एक फ्रिज लेता हूँ अभी मेरे पास, देखो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है बट ठीक है जितने हैं थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ेगा हमें इस फ्रिज से। और यहाँ से एक रैक मैं बाय कर लूँ, दो मिनट कितने भाई $700 का, $750 का चलेगा। यहाँ पे एक बाय कर लेता हूँ नो चिप्स, और मेरे पास अभी $989 पड़े हैं। मेरे को लग रहा है मैं भाई दे नहीं पाऊँगा बैंक वालों का उधार, आज दे नहीं पाऊँगा, बट कोई बात नहीं, हम बाद में दे देंगे बैंक वालों का उधार। और मैं अभी माइनस बैंक चल रहा हूँ भाई, एक तरफ से समझो कि मेरी बैंक में माइनस में चल रहा हूँ भाई मैं। तो चलो अभी ना मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ठीक है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई है इनके प्राइजेस। और मैं अभी फ्रिज का सामान ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है रैकेट का सामान लेने के लिए मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो यहाँ पे इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है यार कुछ चीज़ों का, ये मेरे को नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा घटिया लगता है यार। पता है मेरा ना फ्रिज में मैं रखता हूँ, और फ्रिज में नहीं, एक दिन मैंने रैक में रख दिया था और ये ख़राब हो चुका था काफ़ी जल्दी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मेरे पैसे ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, तो इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। तो चलो और यहाँ पे जो चीज़ मेरे को एग लेने थे वैसे, बट एग काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो ठीक है यहाँ पे मिल्क ले लेता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के मिल्क हैं। और यहाँ पेस्ट्रीज हैं, नहीं 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 इनमें ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और मेरे पास भाई बच्चे ही $10 हैं, तो मैं लूँगा भी क्या। तो चलो अभी ना मैं इसको रैकेट में लगाता हूँ, दो मिनट रुको, इसे मैं रखता हूँ रैक में। तो ठीक है यहाँ पे रैक नहीं है, ट्रॉली है भाई, रैक नहीं है, तो ठीक है इसे मैंने ट्रॉली में लगा दिया, बस इसे गाड़ी में रखना है। अभी मेरे को कार से भी लेनी है, ट्रक लाया होता ना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता, पर ट्रक के लिए अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, मतलब $4,500 चाहिए ट्रक के लिए भी मेरे को। तो चलो अभी ना मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, बड़ी ज़्यादा आसानी से ले जाता है यार मैं सामान सारा। तो ठीक है अभी ना इसको भी यहाँ पे लगाओ, डन। कितने बॉक्सेस थे ऐसे, 9 बॉक्सेस है ना मेरे पास, ठीक है ये हो गया ना। अभी मेरे को एक और नहीं, 3 बॉक्सेस ऐसे अंदर हो, 3 हाँ 3 ही बॉक्सेस हैं। तो ठीक है यहाँ ट्रॉली पे रखता हूँ, और इन्हें भी लेके चलता हूँ जल्दी से यहाँ पे। तो चलो अभी ना इनको रखना है मेरे को अपनी गाड़ी में। तो ठीक है यहाँ पे तो अभी हमारी शुरुआत हुई है भाई, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो कितने ज़्यादा हम पैसे कमाने वाले हैं इस विलेज में। तो ठीक है यहाँ पे इनकी ट्रॉली को मैं लेके नहीं जा सकता, नहीं तो सही में इसकी ट्रॉली ना मैं गायब कर देता अभी तक। तो चलो इनकी ट्रॉली मैंने सही सलामत अंदर की तरफ रख दिया, और पीछे वाला गेट भी बंद हो चुका है जहाँ पे हमने बॉक्सेस रखे थे। तो अब मेरे को लेके चलना है इन्हें अपनी शॉप पर, और शॉप पर लगाने हैं इनको। तो मैंने एक फ्रिज ले लिया था, एक रैक ले लिया है जिसमें कि आराम से सामान आ जाएगा, और कस्टमर्स की कंप्लेन भी काफ़ी है। तो ठीक है यहाँ से मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट ले लेता हूँ, देखो पास में ये दुकान तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर दूर होती ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता है। और मेरे हिसाब से कब से काफ़ी ज़्यादा टाइम ना मेरे को फ़िश और मीट लाने में लगेगा, और वेजिटेबल भी, वेजिटेबल की दुकान दूर है थोड़ी। हाँ ये है कि हमारे पास एक्सपोर्टिंग, बैंक और ट्रेडिंग, इन सब का सामान काफ़ी जल्दी, मतलब इधर जा सकते हैं हम जल्दी, और बाकी वहाँ नहीं जा सकते यार जल्दी, काफ़ी ज़्यादा लेट जाएंगे। बाकी तुम सब मेरे को नाम बताना, तुम सबको नाम कैसे लगा अपना सस्ता अच्छा प्रोडक्ट्स, तो बड़ा सोच के रखा वैसे नाम मैंने, तुम सबकी बदौलत तुमने मेरे को बताया था, तो मैंने सोच समझ के ऐसा नाम रख दिया। तो चलो अभी ना मेरे को ये फ्रिज लगाना है यहाँ पे, ठीक लगेगा, ठीक है यहाँ मैंने फ्रिज लगा दिया है अभी, तो मेरे पास बस फ्रिज के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे को कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस फ्रिज के प्रोडक्ट्स लगाने हैं, बाद में मैं रैकेट लगा दूंगा। ठीक है यहाँ पे ना मैं सारे के सारे फ्रिज के प्रोडक्ट्स लगाता हूँ, अभी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिब्बे बचे हुए हैं। तो चलो यहाँ पे फ्रिज के प्रोडक्ट्स लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आना है, पहले मेरे को मज़ा नहीं आता था पर अब मुझे मज़ा आने लग गया है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है इसलिए मैंने ऐसे लगाया है, वैसे 10 के 10 बॉक्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो ठीक है, और मेरे को इस डिश का नाम बताओ, ये कौन सी डिश है, बर्गर है कि क्या है, तुम्हें क्या लगता है मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना भाई, ज़रूर बताना। तो ठीक है, और बाकी तुम्हें बक्सों देखने में काफ़ी ज़्यादा साइज से मज़ा आ रहा हो, कुछ को ना आ रहा हो तो वो अपनी गेम सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को, उसे भी सोचेंगे खेलने का भी। देखो इतनी सारी तुम गेम्स बताते हो, मैं खेल नहीं पाता, पर हाँ यार टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है। देखो मैं गेम ट्राई करता हूँ, सारी गेम्स ट्राई करता हूँ, अभी हॉरर गेम्स की लानी है, आर्क सर्वाइव गेम्स की लानी है, बहुत सारी गेम्स है जैसे कि तुमने बताया, बट धीरे धीरे आएगी करके। तो थोड़ा बहुत टाइम दो बस भाई, थोड़ा बहुत टाइम दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं थोड़ा। तो चलो यहाँ पे ना मेरे पास चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क है, हाँ चॉकलेट मिल्क है, अगर किसी को चॉकलेट मिल्क चाहिए
काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें पता ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है भाई चॉकलेट मिल्क, तो हमारी शॉप से पाए कर लेना। फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो ठीक है इसको मेरे को निकालना है। इसके लिए मेरे को अपनी गाड़ी का डोर ओपन करना पड़ेगा, दो मिनट रुको मैं डोर ओपन करता हूँ। अरे डोर ओपन क्यों नहीं आ रहा, दो मिनट से हटाओ। अभी शायद से मेरी गाड़ी पे क्लिक, हाँ अब हुआ भाई, गाड़ी पे क्लिक ही नहीं था, वो बॉक्स की तरफ था ना हाथ, तो इस करके मेरे को लग रहा है। और ये कौन सा मिल्क है यार, मेरे को नहीं पता, ये शायद से काओ, ए पता नहीं क्या है, हॉबी हॉली हॉली काओ मिल्क लिखा हुआ शायद से। हॉली काओ मिल्क कौन सा होता है, मतलब मैं समझा नहीं यार, शायद से डिफरेंट टाइप की काउज होंगी उनके मिल्क हैं। चलो अभी ना मैंने इतने तो प्रोडक्ट लगा ही दिए हैं, बाकी मेरे पास पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं बाय करके आया था। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्यों लग रहा है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा जो फ्रिज है वो छोटा पड़ने वाला है, पर देखते हैं कि फ्रिज छोटा पड़ता है या नहीं। अभी मेरे पास प्रोडक्ट्स तो पड़े हैं, मेरे को एक नवा प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे चाहिए भाई, अभी पैसे भी नहीं है, $10 है मेरे पास पूरा। तो तुम सब देख सकते हो पिछली वाली गेम में तो ये हुआ था, मैंने काफ़ी सारा काम कर रहा था तब जाके पैसे मिले थे मेरे को, पर इधर मैंने स्टार्टिंग से पैसा कमाना स्टार्ट किया है। तुम्हें पता है हमारे पास कितने थे, हमें मैक्स मतलब $500 मिलते हैं, बाकी 5 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हम लगाते हैं। पर अभी मैंने देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स बाय तो करे हैं, पर इन्हें ध्यान से भाई सेल करके मेरे को और प्रोडक्ट्स लाने हैं। ये नहीं कि मैं फालतू का खर्चा कर रहा हूँ भाई, फालतू का खर्चा इस गेम में हमने कोई नहीं करना। चलो अभी ये वाला बॉक्स लगाना है, और इस बॉक्स मेरे को लग रहा है ये फ्रिज मेरा ना जल्दी ही भर जाएगा, पर कोई बात नहीं। अभी ये कौन सा भाई, डिफरेंट टाइप के मिल्क हैं हमारी शॉप पर, और वहाँ तो अभी कुछ मिल्क तो बचे हुए हैं जो कि मैंने बाय ही नहीं करे हैं। तो चलो अभी स्पेस मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता भाई, इसमें स्पेस दिखाने के लिए पता लगे कि हमारे प्रोडक्ट्स ही ना आए इसमें। तो ठीक है, जहाँ जहाँ जगह बन रही है ना मैं वहीं में इसे डाल दे रहा हूँ। तो ठीक है, एक आ चुका है, तो डन भाई, ठीक है हाँ लग चुका है। तो अभी मेरे पास ऐसे लास्ट ही बॉक्स होगा यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे मेरे पास अभी 3 बॉक्सेस पड़े हैं यार, अभी मुझे लगा लास्ट बॉक्स है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे ना मैं इन प्रोडक्ट्स को भी लगाता हूँ, और देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको भी लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये क्या चीज़ है, अच्छा ये पेस्ट्रीज हैं छोटे छोटे पैक में, तो चलो इनको लगाते हैं हम जल्दी जल्दी। ये हो गया, इसका काम हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 तो लग चुके हैं, अभी मेरे पास और बॉक्सेस पड़े हैं। ठीक है, अभी ना मैं इसको लगाता हूँ। अब मेरे को पता है तुम सब अगर बोर हो रहे हो तो अब मेरे को कमेंट में बता देना, मैं सामान लगाना छोड़ दूंगा। भाई तुमने भी वैसे बोला था मुझे कमेंट में कि यार जो प्रोडक्ट्स लगाते हो ना वो दिखाया करो, तुम दिखाते नहीं हो प्रोडक्ट्स लगाते हुए। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज का प्रोडक्ट मैं दिखाई दूँ पूरी तरह से, कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है। तो अभी मेरे पास ऐसे और कितने प्रोडक्ट्स, भाई बॉक्सेस कितने रह गए, इतने सारे भाई, अभी 2 बॉक्सेस बाकी हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी इन बॉक्सेस को भी मैं जल्दी से लगाता हूँ, और तुम्हें दिखाता हूँ अपना फ्रिज भरने के बाद कैसा लगने वाला है। फाइनली गाइज, हमारा फ्रिज भर चुका है पूरी तरह से। देखो सारे प्रोडक्ट्स मैंने लगा दिए, 2 वाले प्रोडक्ट्स मैंने स्किप कर दिए थे लास्ट के, मैंने सोचा इतना ज़्यादा भी बोर नहीं करना चाहिए। तो चलो, और ये देखो हमारे फ्रिज में पूरी तरह से फ्रिज भरा हुआ है। हाँ थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है, मुझे लगा नहीं था कि बचेगा। और अभी मेरे पास एक रैक भी है, तो अभी ना मैं इसके साथ में ही लगा देता हूँ, क्या पता कि हमें इस रैक की भी ज़रूरत पड़े। बाद में मैं इस रैक को चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे फ्रिज है ना जो कि मैं डिज़ाइन करके रख दूंगा, और हमारा जब रेटिंग बढ़ने लग जाएगी तुम सब मेरे को कमेंट करके बता देना कि शॉप को रखना कैसा है। तो चलो अभी ना मैं चल रहा हूँ घर पर, वहाँ सोएंगे और फिर निकलेंगे अपने भाई शॉप के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ अपने घर पे, गाड़ी मेरी वहीं खड़ी है, बट ठीक है सोने के बाद मुझे पता है अपनी गाड़ी अपने घर पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो चलो अभी ना इसको बंद करो और यहाँ पे जल्दी सोते हैं हम। तो फाइनली गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरे पास $3,915 हैं, जो कि अभी मेरे को बहुत सारे काम आने वाले हैं। और यहाँ मेरी गाड़ी आ चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी गाड़ी पे ही चलते हैं अपनी शॉप पर, और मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अब हमें जाना पड़ेगा भाई रेस्टोरेंट पे, क्योंकि खाना भूख लग सकती है यार, देखो 40% हम भूखे हैं। और यहाँ की रोड बाइक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, थोड़ा बहुत आराम से चलाना पड़ेगा। और चलो गाइस चलते हैं हम जल्दी से रेस्टोरेंट पे। फाइनली गाइज, आ चुका है हमारा गैस स्टेशन एक तरह से ये, और यहाँ पे देखो ऑयल नहीं भरा ना इन भाई साहब से, हम खाना पीना लेते हैं 2 मिनट। पिज़्ज़ा खाने में यार थोड़ा बहुत कुछ रख तो लेते हैं अच्छी चीज़, जिससे कि लगता हमारा पेट भर रहा है।
तो ठीक है, अभी मैंने दो पिज्जा ले लिए हैं, अभी ने खाना नहीं भाई, से दो मिनट यू आर नॉट हैंगरी। हाँ मैंने खाना नहीं था, इसे मैंने लेके जाना था। तो ठीक है, इसे डिक्की खोलो, ओपन करता हूँ डिक्की को और यहाँ पे रखता हूँ। अभी मेरे को और भी सामान लेके आना है जैबर की शॉप से और वो सब भी सामान लगाना है। और अभी मेरे को उसका बिल भाई, यहाँ पे मेरे को बैंक की पेमेंट करनी है $1000 की। बैंक में पैसे भी ट्रांसफ़र करने हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर कोई बात नहीं। और यहाँ एटीएम में भी पैसे नहीं है, उसमें भी मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा बिजली का बिल है वो हमारे एटीएम से जाता है। तो ठीक है, फाइनली हमारी शॉप भी आ चुकी है, पर शॉप पर रुकने का कोई फ़ायदा है क्या मेरे हिसाब से? 2 मिनट रुको, शॉप ओपन है ना मेरी? ठीक है ठीक है, मैंने ऑटोमेटिकली लगा दिया था उसे ओपन का, इसलिए ये ओपन हो चुकी है। तो ठीक है, हमारा शॉर्टकट रास्ता कहाँ गया भाई? ये रहा सामने की तरफ, तो मैं दिखा देता हूँ हमारा शॉर्टकट रास्ता। यार रोड नहीं है, बट ठीक है, मिट्टी वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा सही है, मैं प्यार से चला जाता हूँ भाई इधर से। तो चलो अभी ना मैं जल्दी से चलता हूँ, पहले बैंक चलता हूँ, बैंक इनके पैसे देता हूँ भाई, पहले इनसे पैसे, मतलब इनके पैसे पहले दे दूँगा, फिर इनसे दोबारा से लोन ले लेंगे, जो कि हमारा चलता रहेगा थोड़े दिनों तक। पर जब अमीर होंगे, मैं सही में कह रहा हूँ, 10,000 का लोन इनके ऊपर चढ़ा के आ जाऊँगा। तो ठीक है, फाइनली इनका रीपे करते हैं, $100 पड़े थे अभी बैंक में भी, -$100 हैं। तो चलो अभी ना मैं बैंक में कुछ पैसे डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, $100 डालूँ, और $100 तो पर ज़्यादा, 5,000 तो मेरे खुद के वॉलेट में नहीं है इस टाइम। तो ठीक है, $100 कट चुके हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी भी पे हो चुकी है। तो चलो अभी ना मेरे को एटीएम में भी पैसे डालने हैं, 2 मिनट को, $300 और डालता हूँ, और $300 डाल देता हूँ मैं पेटीएम में। तो पेटीएम में बोल रहा हूँ भाई, एटीएम में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लोन भी ले लिया है, अभी रीपे करने हैं $950। तो चलो अभी मैं चल के और प्रोडक्ट्स बाय कर सकता हूँ, जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ जैबर की शॉप पर चलते हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, और हमें मतलब फ़िश की शॉप पर भी चलना है, और मतलब और कौन सी शॉप है, हम मीट की शॉप पर भी चलना है। कोई बात नहीं, हम वहाँ पे भी चलेंगे। तो यहाँ पे ना अभी मैं बैग करके लगा रहा हूँ, जिससे कि मैं सामान रख पाऊँ काफ़ी ज़्यादा जल्दी, और जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं ट्रक बाय कर पाऊँ। तो ठीक है, फ्रिज का देखो, मैंने सारा का सारा प्रोडक्ट्स ले लिए थे, अभी यहाँ पे सही में बोलूँ महंगे चल रहे हैं। अभी ये छोड़ो, अब मैं रैक के सामान लेता हूँ ना यहाँ पे। तो ठीक है, ये गुड प्राइस में है, मेरे को चाहिए कुछ घरेलू सामान जो कि हमारे कस्टमर्स काफ़ी जल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो, कैचअप नहीं, मायोनीज चलेगी, कैचअप मेरे पास है गा। और यहाँ कैट का फूड ले लो, डॉग का फूड, भाई कभी कभी ठंडी ठंडी लग जाती है ना, तो यही फूड खिलाते हैं उसे। कैट का फूड काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है, डॉग का फूड काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। और ऑयल भी चाहिए था, एक कस्टमर की कंप्लेन आई थी वैसे ऑयल के रिगार्डिंग। तो ठीक है, पर मैंने काफ़ी सामान ले लिया है। यहाँ चिप्स तो मेरे पास ना अभी ये वाले रैक भी नहीं है ना, ऐसे रैक लेके आऊँगा तभी चिप्स रखूँगा, सेल्फ है वैसे। तो ठीक है, राइस के रिगार्डिंग कंप्लेन थी, और मेरे पास क्या क्या ले सकता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लेना है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को लेने हैं ये ले, नहीं ये मेरे पास हैं, ये लेते हैं ना। तो ठीक है, अभी मैंने ये ले लिया। अब पे भाई गलती से हाई क्वालिटी का मैंने सर्फ बाय कर लिया यार, लिक्विड वाला। तो छोड़ो, छोटे वाले लिक्विड वाले मैं सर्फ नहीं ले रहा हूँ अभी। यहाँ पे ये ले लिया मैंने, हैंड वॉश भी ले लिया, बाकी बहुत सारा सामान लेके गया हूँ मैं। तो ठीक है, इनको मैं जल्दी जल्दी ना अपने इस पे रखता हूँ। तो ठीक है, सेल्फ का एक फ़ायदा तो है भाई, सारे बॉक्स एकदम मैं रख तो सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो चलो, इसको मैं रखता हूँ प्यार से। तो ठीक है, फाइनली हो चुका है हमारा काम, और मेरे हिसाब से इसको ना रखने से अच्छा ना मैं पैदल लेके ना चलूँ इसे, भाई इसको रखूँगा अगर अपनी कार में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा ना मैं इस सारे को, सारे सामान को अपनी कार गिरवी दे के जा रहा हूँ जैबर शॉप को। तो चलो हम जल्दी चलते हैं अपनी शॉप पर ये सारे प्रोडक्ट्स को लेकर। तो फाइनली गाइज, मैं पहुँच चुका हूँ। मैं एक बार बताऊँ, गाड़ी से तेज आया हूँ, वैसे धीरे नहीं आया हूँ मैं। और यहाँ पे देखो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी ले आया हूँ मैं। देखो मेरे रैक खाली पड़े हैं, तो इन रैक्स में मेरे को इन प्रोडक्ट्स को रखना है। मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, अब ये थोड़ा होता है स्किप आप सब के लिए। अब मेरे को बता देना भाई, स्किप करनी चाहिए मेरे को गेम या नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। देखो अभी मैं बताऊँ, अगर मैं इसको स्किप ना करूं तो ये 30 मिनट की वीडियो बनती है, अगर मैं इसकी स्किप कर दूं तो मेरे हिसाब से लगभग ये 20 या 21 मिनट की वीडियो तो बन जाएगी। तो चलो, यहाँ मैंने सर्फ लगा दिए हैं, और इसे मैं जल्दी से करता हूँ पहले स्किप, और फिर देखते हैं हमारा रैक भरा हुआ कैसा लगने वाला है। फाइनली गाइस, मैंने पूरा रैक भर दिया। फ्रिज तो तुम्हें पता था तुम्हारे सामने भरा मैंने, और रैक देख लो
यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा है 2 मिनट इनकी। मैं ट्रॉली चोरी करके लेके आया हूँ भाई इस टाइम। बस हमारी गाड़ी है वो अभी ना इस टाइम भाई जैबर की शॉप पर खड़ी है, उसे भी उठा के लेके आना है। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। पैसे देखूँ भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे मैंने वैसे कमा लिए हैं, $10,000 मेरे पास हो चुके हैं इस टाइम, और मैंने इतना सारा सामान लगा दिया। तो चलो यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ भी लगाया था, कुछ आइटम्स मेरे सेल भी हुए हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे। तो ठीक है अभी ना मैं चलता हूँ टैक्सी बुला लेता हूँ, और टैक्सी पे ही हम चलते हैं, अपनी गाड़ी को भी लेके आएंगे यार अपनी शॉप पर, पता लगे भाई वहाँ पड़ी पड़ी सारी मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए। तो ठीक है यहाँ पे जा चुका है ना, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनका पहले उधार दूँ। $10,000 मेरे पास टोटल है यार, सोचने वाली बात है भाई, टोटल $10,000 हैं। तो ठीक है $950 इन्हें मैंने पे कर दिए हैं और इनका उधार आज से ख़त्म होता है। तो ठीक है अभी ना मेरे को बैंक में अमाउंट डाल लिया है, $10,000 बहुत होंगे मेरे हिसाब से। तो ठीक है बैंक से मेरे को डालना है ATM में। 2 मिनट भाई उल्टा मैंने पे कर दिया, मैंने ATM की जगह वॉलेट में पे कर दिया। 2 मिनट रुको, अभी यहाँ पे नहीं होने वाला, तो मेरे को पहले ना यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है मैंने यहाँ $1,000 दोनों में डाल दिए हैं, मेरे पास $7,000 मेरे खुद के वॉलेट में पड़े हैं। वैसे मेरे को ATM में रखने चाहिए बैंक में। तो चलो मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बैंक वाला भी, बस इस गाड़ी को लेके चलना है अपनी शॉप पर। और जिससे काफ़ी ज़्यादा सही है यार, किसी की शॉप पर मैं अपनी गाड़ी नहीं गिरवी रख सकता। आई नो कि मैंने छोटी सी उसकी ट्रॉली चोरी करी है, पर इतना बड़ा चोरी नहीं, मैंने पूरा सामान तो चोरी नहीं करा ना उसका। तो ठीक है गाइस आज ना भाई हमने बहुत कुछ कर लिया है मेरे हिसाब से, और अपनी गाड़ी को वैसे ले आए हैं। और देखो नाम जो रखा है भाई, तुम सब बता सकते हो मेरे को नाम कैसा लगा तुम सबको, कमेंट में मेरे को जल्दी से जाके बताओ कि भाई सस्ता अच्छा प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है, तो नाम बता देना कैसा लगा। तो ठीक है गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा सब्सक्राइब, जल्दी लाल कलर का नीचे बटन है ना भाई वही दबाना है, और सस्ता अच्छा प्रोडक्ट टिकाऊ आपको हमारी शॉप पर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो जल्दी चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जरूर बताओ ये वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।